हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। और डेट है आज की 23 जून, और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। और आज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आखिरी में क्या एक प्रैक्टिस एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि हम ये लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल जो क्वेश्चन किया था, जो कल का जो प्रैक्टिस एमसीक्यू था उसका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, उसका आंसर था सी, यानी कि 3 ओनली। आप सभी को क्वेश्चंस तो पता ही होगा कि क्या था कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड था, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से। तो देखिए, सोलर एक्लिप्स 3 टाइप के थे, हमने कल पढ़ा था हमारे न्यूज़ सेशन में। तो सबसे पहला था जो पार्शियल सोलर एक्लिप्स था, जिसमें क्या होता था कि जो सन मून और अर्थ हैं वो एग्जैक्टली लाइंड अप नहीं होते थे। तो क्या होता था, तो जो ये मान लीजिए ये सन है और यहाँ पे हल्की हल्की सी मून की शेडो पड़ती थी, मतलब इतना एरिया हमें सन का दिखाई देता था, तो ये होता था पार्शियल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता था, तो जब तीनों की तीनों सन मून और अर्थ तीनों डायरेक्ट एक ही लाइन पे हो और मून क्या हो अर्थ के पास हो, तो जिसके कारण क्या होता था, जो टोटल हो जाता था, मतलब कि टोटल ब्लैकआउट हो जाता था, सन दिखता ही नहीं था मून की शेडो के कारण। तो ये था टोटल सोलर एक्लिप्स के बारे में। और एनुलर क्या था, तो एनुलर अभी हमारे यहाँ हाल ही में हुआ था 21 जून को। तो उसमें क्या था, तो उसमें जो मून की पोजीशन होती है वो अर्थ से दूर होती है, होता तो एग्जैक्ट एक ही लाइन में है तीनों और एक ही प्लेन में भी है, बट जो मून की पोजीशन होती है वो थोड़ा दूर होती है, तो जो मून की शेडो है वो अर्थ से जो भी सन से जो रेज आ रही है उनको पूरी तरीके से रोक नहीं सकती है। तो इसलिए क्या है, जो साइड से जो डिफ्रेक्शन होता है, जो सन रेज का जो डिफ्रेक्शन होता है वो हमें दिखाई देता है, इसलिए एक रिंग टाइप की दिखाई देती है हमें, रिंग ऑफ फायर टाइप की एक दिखाई देती है, तो वो होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स। तो इसलिए जो शुरू के दो स्टेटमेंट्स है वो गलत हो जाते हैं और थर्ड सही हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी 3 ओनली। तो चलिए हम सबसे पहले आज देख लेते हैं कि हमें क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज है हमारे पास, यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि EAG। इस ग्रुप के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में इंडिया ने इसकी 32nd जो स्पेशल वर्चुअल मीट था उसको अटेंड किया था इस EAG ग्रुप की। और ये ग्रुप क्या है, तो हम इसको देखेंगे। चलिए हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्रुप है क्या। तो देखिए, इसमें 9 कंट्रीज हैं टोटल, इसके मेंबर कौन कौन से, तो इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। ये एशिया और यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, इसलिए इसका नाम यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म भी कहा गया है। तो ये जो 9 कंट्रीज है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के केसेस होते हैं, इसीलिए इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है ताकि ये इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स है मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की, उनसे लड़ सके। तो ये जो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक एसोसिएट मेंबर है FATF का, ये एक एसोसिएट मेंबर है FATF का। तो देखिए, 2005 और 2010 में 2 नए मेंबर ऐड हुए थे, देखिए 3 नए मेंबर ऐड हुए थे, उज्बेकिस्तान 2005 में ऐड हुआ था और 2010 में तुर्कमेनिस्तान और इंडिया। ये आपको याद रखने की, इंडिया इस ग्रुप में कब ऐड हुआ था, तो इंडिया 2010 में ऐड हुआ था, पहले से इसका ये जो इंडिया है वो इस ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर नहीं था, 2010 में ये इंडिया इसमें ऐड हुआ था। और ये जो ग्रुप है वो उसको स्टेटस कब मिला, एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो एक एग्रीमेंट के थ्रू मिला था, एग्रीमेंट ऑन द यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो कि साइन हुआ था 2011 में मॉस्को में, इसी के थ्रू, इसी एग्रीमेंट के थ्रू जो EAG है उसको स्टेटस मिला था एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। देखिए, ये असिस्ट करने का भी काम करता है सारे मेंबर्स स्टेट को, जितने भी इसके मेंबर स्टेट हैं, 9 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, उन सभी को असिस्ट करता है जो FATF की जो रिकमेंडेशंस है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड, उन सभी को अच्छे से पूरी करने के लिए, जितनी भी रिकमेंडेशन उन सभी को पूरी करने के लिए हर मेंबर स्टेट्स को ये असिस्ट करता है, मदद करता है। दूसरा क्या चीज़ है, देखिए दूसरा इसका फंक्शन है कि ये जॉइंट एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करवाता है और डेवलप करवाता है जितनी भी जो मेंबर्स है उनके बीच में एक आपसी संबंध के साथ, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उनसे लड़ने के लिए जॉइंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट भी करवाता है और डेवलप भी करवाता है। और क्या करता है, तो और देखिए, ये कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम्स विद स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज एंड इंटरेस्टेड स्टेट। तो ये क्या करता है, तो देखिए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी चलाता है और
जो अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज है या ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। किस फील्ड में? तो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की फील्ड में। और तीसरी चीज क्या करता है, तो देखिए अगली चीज है, ये एनालाइज करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है या कैसा बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है या कैसा कम हो रहा है। ये क्या करता है, इसका ही काम होता है, इस जो पूरा ट्रेंड है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, उसको एनालाइज करना। और जो भी, जैसे कोई कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ किसी कंट्री ने कोई अच्छा लॉ लेकर आया है इनसे लड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए कोई अच्छा लॉ लाया है, तो वो आइडिया को एक्सचेंज भी करवाता है ये ग्रुप, जिसका नाम है EAG, यानी कि यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो हमने EAG के बारे में पढ़ा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगली है हमारे पास न्यू सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये न्यूज़ में इसलिए थी कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक स्टडी पेपर रिलीज किया है जिसमें जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, यानी कि SAGY योजना है, उसमें ये बताया गया है उस स्टडी में कि इसने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, ये फेल हो गई है अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरे करने में। चलिए हम इस योजना के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये योजना लॉन्च हुई थी 11th अक्टूबर 2014 को, जो कि क्या है, एक JP नारायण जी जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी है, या उनका बर्थ एनिवर्सरी भी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं बर्थ एनिवर्सरी है, 11th अक्टूबर, उसी दिन क्या हुआ था जो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसे लॉन्च किया गया था। चलिए हम देख लेते हैं इस योजना में क्या होता है। तो देखिए इस योजना में जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो विलेजेस को सिलेक्ट करें। उनको विलेजेस दिए जाते हैं कि इन विलेजेस को आप डेवलप करेंगे, सोशली भी, इकोनॉमिक भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ का डेवलप करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, इस योजना के अकॉर्डिंग 2019 तक हर एक एक MP को 3 विलेज कम से कम डेवलप करने थे, और 2024 तक 8 विलेजेस डेवलप करने थे। चलिए हम अगला देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू सब्सटेंशियली इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। सभी का क्या होगा इसमें, जो इसका ऑब्जेक्टिव है SAGY जो योजना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। वो कैसे होगी, तो वो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करवाकर, या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़वाकर, या फिर जो लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है हर सेक्शन के लोगों को, मतलब जैसे रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको भी सभी अपॉर्चुनिटीज या फिर सभी जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं वो सभी मिलना चाहिए, जिससे क्या हो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक लोकल लेवल डेवलपमेंट करवाना है। लोकल लेवल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो देखिए जो लोकल गवर्नेंस है हमारे यहाँ, मतलब कि जो ग्राम पंचायत है या जो भी विलेज की जो भी गवर्नेंस है उसको इफेक्टिव बनाना है, और उसमें डेवलपमेंट करवाना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू भी, या सोशली भी, या इकोनॉमिकली, इन सभी को डेवलप करवाना है या इन सभी को इम्प्रूव करवाना है। तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए टू नर्चर द आइडेंटिफाइड आदर्श ग्राम। अब आदर्श ग्राम क्या है, आदर्श ग्राम वही विलेजेस रहेंगे जो एक MP को दिए जाएंगे डेवलप करने के लिए। और इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये आदर्श ग्राम रहेंगे, जो भी MP इन्हें डेवलप करेगा, तो उनके आजू बाजू के, उनके नेबरिंग जो भी ग्राम पंचायत हैं वो इनसे इंस्पायर होंगी और वो भी इनके ही जैसा करना चाहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक साथ में ये जो पूरा साथ में इनका डेवलपमेंट होगा, आदर्श ग्राम का भी और उनके आसपास की जो भी ग्राम पंचायत है उनका भी। तो इसलिए ये थी सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। देखिए इसमें क्या क्या होगा, इन्वॉल्विंग विलेजर्स, लेवरेजिंग साइंटिफिक टूल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ MPs यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए हम देख लेते हैं अब इस जो भी स्टडी थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, जो स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग क्यों ये योजना फेल हो गई। तो देखते हैं हम उसके कुछ रीजंस देख लेते हैं। तो लो सिलेक्शन ऑफ पंचायत, तो जो पंचायत जो सिलेक्ट करनी थी, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हर एक MP को 2019 तक तीन विलेजेस को डेवलप करवाना था, तो वो क्या हुआ, उनको उतने विलेजेस नहीं दिए गए, तो ये क्या हुआ, लो सिलेक्शन हुआ, जिसके कारण ये एक तरीके से फेल हो गई ये योजना। दूसरा क्या था, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड फंड, तो जो पैसे की कमी है। तो देखिए अगर किसी भी विलेज को डेवलप करना है तो फंड तो लगेगा ही, तो अगर उसकी कमी होगी तो क्या होगा, ये डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा, जिसके कारण क्या हुआ ये योजना फेल हुई, मतलब फंड की भी कमी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो तीसरी चीज़ है, देखिए तीसरा रीज़न क्या है इसका फेल होने का, तो पॉलिटिकल विल भी
कम था, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जो भी एमपीज थे उनके अंदर पॉलिटिकल विल कम थी इन्हें डेवलप करवाने की इन रूरल एरियाज को या इन विलेजेस को। चौथा रीजन क्या था तो देख लेते हैं हम, लो कन्वर्जेंस ऑफ एमजी नरेगा एंड विद एमपीलेड। एमपीलेड क्या है, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्कीम है, ये भी एक स्कीम ही है एमपीलेड, तो इसके अकॉर्डिंग भी जो एमपीज हैं वो अपने अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें एक एक विलेज को अडॉप्ट करते हैं और उन्हें उसे डेवलप करते हैं। तो ये जो स्कीम है ये भी इसी के अंडर पे ही आती है कि कौन सी, ऐसे जीवाई के अंडर पे ही आती है, यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर पे ही आती है। देखिए जो पहले माना गया था कि ये एमजी नरेगा को भी फायदा करेगा, ये जो स्कीम है वो एमजी नरेगा को भी फायदा करेगी, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो वर्कर्स चाहिए या लेबर्स चाहिए, और गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि वो जो लेबर्स या वर्कर्स आएंगे वो एमजी नरेगा स्कीम के थ्रू ही लिए जाएंगे। बट ये भी क्या हुआ, एक फेलियर की तरह ही सामने आया। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स या लेबर्स थे वो ज़्यादातर एमजी नरेगा के बाहर वाले वर्कर्स थे। देखते हैं हम अगला क्या रीज़न था, तो अगला रीज़न था लिमिटेड इम्पैक्ट, मतलब जो डेवलपमेंट हुआ वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, तो जो डेवलपमेंट हुआ वो उसकी क्वालिटी जो थी वो कम थी, जिसके कारण क्या हुआ उसका जो इम्पैक्ट था वो कम रहा। देखिए अब क्या सोचा गया था कि अगर एक आदर्श ग्राम रहेगा तो उसके जो भी आसपास जितने भी ग्राम पंचायत होगी वो भी इंस्पायर होकर उसी की तरह डेवलप होने की सोचेगी। बट अगर इसी की जो आदर्श ग्राम है उसकी ही क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी डेवलपमेंट की, तो वो क्या होगा, इनको भी इंस्पिरेशन क्या है नहीं मिलेगी। तो ये क्या था, एक लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा इस स्कीम का, इसलिए ये फेल हुई। और आखिरी रीजन है क्या, कंसर्न्स ओवर द क्वालिटी ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो रोड का कंस्ट्रक्शन का भी क्वालिटी बहुत ही बुरी थी, इसलिए भी एक रीजन ये भी है कि ये जो योजना है वो फेल हुई। तो ये हमने पढ़ा सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। अगला हम देखते हैं, अगली न्यूज हमारे पास सीक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में। बैलेट क्या होता है, तो बैलेट जो वोटिंग होती है तो वो एक पेपर में नाम लिखा जाता है, जो भी वोटर जिसको भी वोट देना चाहता है उसका नाम लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं बैलेट पेपर या बैलेट। चलिए हम देखते हैं न्यूज के बारे में। तो न्यूज है हमारे पास, देखिए न्यूज है हमारे पास, एक रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो एक कॉर्नर स्टोन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। मतलब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है तो जो बैलेट पेपर है उसकी सीक्रेसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जो वोटर किसी को भी वोट दे रहा है, अगर वो चीज़ जो सीक्रेट नहीं रहेगी वोटर के अलावा, अगर सबको पता चल जाएगा तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं कहलाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं, ये जो न्यूज़ है वो क्यों इतना चर्चित में आई। तो देखिए हम इस न्यूज़ का बैकग्राउंड देखते हैं, तो ये शुरू हुआ था 2018 से। यूपी का एक जिला पंचायत है जहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोटिंग हो रही थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वोटिंग हो रही थी किसको हटाने के लिए, तो पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग हो रही थी, जिसमें कुछ पंचायत मेंबर्स ने अपना जो बैलेट है वो डिस्क्लोज कर दिया था, वो सबको दिखा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, जो बैलेट सीक्रेसी है वो काम में आई थी। मतलब जो बैलेट पेपर थे वो अब सीक्रेट नहीं रह गए थे, वो सबको पता चल गया था कि उनने किसको वोट दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ था, इस पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उस पर स्टे लगा दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, और फिर इसको ही चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और 2 महीने बाद फिर से करवाने का फैसला दिया है। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे इसे खारिज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 94 के बारे में बताया है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया हुआ है। इसके इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये जो है सेक्शन वो क्या अपहोल्ड करता है कि प्रिविलेज ऑफ द वोटर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट देयर चॉइस ऑफ द वोट। तो हर वोटर का एक प्रिविलेज होता है कि वो जिसको भी वोट दे रहा है उसकी जो भी चॉइस है, जो भी कैंडिडेट वो चूज कर रहा है, तो वो सिर्फ उसे ही पता हो और किसी को ना पता हो। तो ये सेक्शन 94 में दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। इसी के तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भी जजमेंट थी वो दी है। सीक्रेट बैलेट के बारे में देख लेते हैं, सीक्रेट बैलेट क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ कास्टिंग ऑफ अ वोट बाय अ वोटर इन सच अ वे दैट नो वन कम्स टू नो इन हूज नेम दैट वोट इज कास्टेड एक्सेप्ट द वोटर।
चलिए हम अगली न्यूज के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज है हमारे पास, नो अंबुबाची मेला एट कामाख्या टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो इस साल का अंबुबाची जो मेला लगता है असम के कामाख्या टेम्पल पे, वो नहीं लगेगा और ये रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि ये पिछले 6 सेंचुरीज यानी पिछले 600 सालों से हर साल ये लगता आ रहा है ये मेला, बट इस साल नहीं लगेगा क्योंकि COVID-19 फैलने का डर है इस मेले के कारण। चलिए हम इस टेम्पल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कामाख्या टेम्पल के बारे में। तो ये जो टेम्पल है वो नीलाचल हिल में सिचुएटेड है, और ये किसके, इसकी जो प्राइम जो डीटी है वो कौन है, तो वो है गॉडेस कामाख्या। जो कामाख्या देवी है वो इस यहाँ पे डीटी है कामाख्या टेम्पल में। और इसे किसने बनवाया था, तो इसे किंग नरक असुर ने बनवाया था, इसे किंग नरक असुर ने बनवाया था। और इसका जो रीबिल्ट जो है, इस टेम्पल का जो रीबिल्ट है वो कब हुआ था, 1565 में हुआ था, और किसने करवाया था, तो वो कोच किंग नर नारायण ने से करवाया था दोबारा से। और फिर इसी के बाद से मेला लगना यहाँ पे शुरू हो गया था। और ये जो कामाख्या टेम्पल है वो 51 शक्तिपीठ में से एक है, मतलब 51 शक्तिपीठ में से एक है। शक्तिपीठ क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शक्तिपीठ्स रिप्रेजेंट्स अ बॉडी पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवास कंपेनियन सती। जो सती के जो बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं ये 51 शक्तिपीठ, तो उनमें से ये एक है, कौन सा, कामाख्या टेम्पल। तो आपको ये याद रखना है कि कामाख्या टेम्पल कहाँ है, तो ये असम में है। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे मेला कौन सा होता है, तो वो होता है अंबुबाची मेला। चलिए अब हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास जी गोल्डन लंगूस के बारे में। तो हम इनका हैबिटेट देखते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो ही बस बताया जाएगा। तो देखिए हैबिटेट क्या है इनका, ये कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सेमी एवरग्रीन या फिर मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ कहाँ है, तो देखिए वेस्टर्न असम में, और जो भूटान का जो ब्लैक माउंटेन का जो एरिया है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, मतलब इंडिया और भूटान की बॉर्डर पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं चीज गोल्डन लंगूर्स। तो अब इनका प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। तो देखिए हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे प्लेस है, तो ये एक शेड्यूल 1 स्पीशी है, और साइट्स के अकॉर्डिंग ये अपेंडिक्स 1 में है, और IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड स्पीशी है जीज गोल्डन लंगूर्स। तो देखिए ये है जीज गोल्ड, तो देखिए ये है जीज गोल्डन लंगूर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे पाया जाता है, आपको ये याद रखना, और इसका स्टेटस क्या है आपको वो भी याद रखना है। देखिए स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, और शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इसे प्लेस किया गया। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम चाओलुंग सुखाफा के बारे में। देखिए इनके बारे में ये इस समय न्यूज़ चल रही है कि ये एक चाइनीज इन्वेडर थे, क्यों, क्योंकि जो अभी चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, तो ये इनको ये माना जा रहा है कि ये एक चाइनीज इन्वेडर थे, और इन्हें फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम नहीं माना जा रहा है। इसके बारे में हम न्यूज़ देख लेते हैं, तो देखिए वो कन्फर्म न्यूज़ नहीं है इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि जो अहोम किंगडम के जो फाउंडर है वो कैसे आए थे। चलिए देखते हैं, अहोम किंगडम जो है वो 13 सेंचुरी से शुरू हुआ था हमारे असम रीजन में इंडिया के, तो ये जो रूलर थे वो 13 सेंचुरी में थे, और जो अहोम किंगडम है वो 6 सेंचुरीज तक असम में रूल किया था अहोम किंगडम ने। कब तक किया था, जब तक ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी नहीं हुई थी, ट्रीटी ऑफ यंडाबू, जब असम क्या हो गया था ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, ब्रिटिश ने असम को एनेक्स कर लिया था 1826 में ट्रीटी ऑफ यंडाबू के साइन करने के बाद। देखिए सर एडवर्ड गाइट हैं एक ये हिस्टोरिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ असम, और उसमें इन्होंने लिखा था जो सुखाफा है वो ही फाउंडर थे, और वो म्यांमार से आए हुए थे 1215 AD में, म्यांमार से निकले थे 8 नोबल्स और कुछ लोगों के साथ, और ब्रह्मपुत्र की जो वैली है वहाँ पर सेटल हुए थे 1235 में, और यहीं से उन्होंने शुरू किया था अहोम किंगडम का, जो अहोम किंगडम है वो यहीं से शुरू हुआ था 1235 AD से। तो ये लगभग 600 साल पुराना किंगडम था, क्योंकि 1826 में ब्रिटिशर्स ने इसे एनेक्स कर लिया था। चलिए हम देखते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है अंबाबाची जो मेला है वो
कामाख्या टेम्पल में ऑर्गेनाइज होता है तो वो कौन से स्टेट में है? तो ये आपको आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है, तो इनमें से एक सही आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के बारे में। इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि न्यूज़ क्या थी। तो इंडिया ने अटेंड किया था इसके 32वीं मीटिंग, और हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि ये है क्या चीज़। तो इसमें 9 कंट्रीज हमने देखी, कौन कौन सी, ये सभी हमने देखे, और इंडिया ने इसे 2010 में ज्वाइन किया था। फिर हमने देखे इसके कुछ फंक्शंस देखे, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो फाइनेंसिंग टेररिज्म है, टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग होती है उसको डील करने में हेल्प करता है। फिर हमने अगला देखा सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। तो हमने ये देखा कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो ये योजना है वो फेल हो गई है, और इस योजना के बारे में हमने देखा और क्या रीजंस थे इसके फेलियर के, वो भी हमने देखे। फिर हमने सीक्रेसी ऑफ बैलेट के ऊपर एक आर्टिकल देखा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दी है रिसेंटली ही, कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखने के लिए। और उस सुप्रीम कोर्ट ने और किस चीज़ के बारे में बताया, तो हमें सेक्शन 94 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में भी बताया, जो कि ये बताता है कि द सेक्शन अपहोल्ड्स द प्रिविलेज ऑफ द वोटर्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट देयर चॉइस ऑफ वोट। मतलब जो भी वोटर जिसे भी वोट दे रहा है वो सिर्फ उसे ही पता होना चाहिए और किसी को नहीं। तो ये तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में। फिर हमने पढ़ा अंबाबूची मेला के बारे में, कामाख्या टेम्पल के बारे में भी हमने देखा। फिर हमने उसके बाद देखा जीज गोल्डन लंगूर्स के बारे में कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका स्टेटस क्या है। फिर हमने देखा फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम यानी कि चाओलुंग सुखापा के बारे में कि वो म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र वैली में सेटल हुए, और जिसके बाद से अहोम किंगडम का स्टार्ट हुआ और कब तक चला, तो वो 1826 यानी कि 1826 तक चला जब ब्रिटिश ने इन्हें एनेक्स कर लिया। किसके द्वारा, तो साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ गेंडाबू के द्वारा। फिर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किया जिसका आंसर आपको कल पता लगेगा। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो का आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GSNet में मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।